आपके बिना कैसे संभव था? आप इधर चुनाव पास आते मंदिर और मस्जिद और धर्म की बात तुरंत हो गई। मैं दुर्भाग्य कहूंगा इस देश का ऐसे समय पे ये बात, जिस समय पर पूरा देश एक नए नेतृत्व को सुनने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको धर्म की बात करनी है तो कई समय से क्यों नहीं, इतने समय आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं उस पर कोई तो चर्चा हो रही कि आप किसी बड़ी पार्टी से जो है लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने जा रहे हैं? इस समय कोई बड़ी पार्टी से गठबंधन करने की ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, प्रदेश के अंदर जो छोटी पार्टियां हैं वो सब हमसे गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। कई पार्टियां हैं जो विलय कर रही हैं अपना हमारे साथ, कई हैं जो गठबंधन करने वाली हैं। तो बहुत ही बड़ा फ्रंटल हम लोग का प्रगति की भविष्य में कभी कोई ऐसा वक्त आया अगर सपा से गठबंधन? देखिए, अगर सपा से गठबंधन करना पड़ गया, अगर जनता की ऐसी बात होगी तो गठबंधन होगा और उसमें बराबर की हिस्सेदारी हमको जब मिलेगी और सम्मानजनक पद हम लोग को दिए जाएंगे तभी गठबंधन होगा। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको जब देखा जाएगा तभी ही। सपा को विरोधी तौर पे आप नहीं मानते? इसलिए भी बताया कि हम लोग सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। एक सीट जहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वो है मैनपुरी। चूंकि मैनपुरी से नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी लड़ रहे हैं चुनाव, वो उनकी ही आइडियोलॉजी पे हम लोग पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चलेगी, तो उनके सम्मान के लिए हम लोग मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी सभी सीटों से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को खड़ा करेगी।